बर्फ की मोटी सफेद चादर ओढ़े कुल्लू जिला के सोलांग नाला में तीन राज्यों के अलावा सेना के सक्रिय जुट गए हैं। शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश विंटर गेम्स एसोसिएशन, अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबंध खेल संस्थान मनाली और विंटर कार्निवल कमेटी द्वारा भारतीय ओलंपिक संघ के संरक्षण में आयोजित की जा रही 6 दिवसीय सीनियर नेशनल एल्पलाइन स्की एवं स्नोबोर्डिंग चैंपियनशिप मनाली के विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सोलांग में आरंभ हो गई। इस प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, दिल्ली और सेना के सक्रिय भाग ले रहे हैं। बर्फबारी और पैराग्लाइडरों द्वारा पुष्प वर्षा के बीच आनी के विधायक किशोरी लाल सागर ने इसका विधिवत उद्घाटन किया। किशोरी लाल ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के मार्गदर्शन और वन परिवहन, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर के अथक प्रयासों से सोलांग में वैश्विक स्तर खेल आयोजन सुनिश्चित किए जाएंगे तथा स्थानीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के लिए रूस एवं अन्य देशों में भेजा जाएगा। इस अवसर पर जिला परिषद सदस्य धनेश्वरी ठाकुर, भारतीय ओलंपिक संघ के संयोजक राकेश शर्मा, हिमाचल प्रदेश विंटर गेम्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रूपचंद नेगी, पर्वतारोहण एवं संबंध खेल संस्थान मनाली के अतिरिक्त निदेशक एवं आयोजन समिति के सचिव अश्वनी कुमार भी उपस्थित थे। कुल्लू से पुनीत शर्मा की रिपोर्ट।